हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RHSRCSA। एग्रीकल्चर में आपके लिए पैडी क्रॉप का आज सेशन स्टार्ट होने वाला है। हाँ तो फ्रेंड, आज पैडी क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट नाउ पैडी क्रॉप्स के बारे में। फ्रेंड, पहले पर्टिकुलर और डिटेल्स दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैमिली, पैडी क्रॉप की फैमिली जो होती है वो है, ये है फैमिली, फैमिली है ग्रैमनी। ये ग्रैमनी फैमिली की है, मतलब ग्रास फैमिली की है, घास कुल की यह क्रॉप है, फसल है। दूसरी फ्रूट ऑफ पैडी, मतलब धान की जो फल होती है, धान का जो फली होता है, मतलब जो धान की फली होती है, जो धान के रूप में हम चावल खाते हैं उसको जो धान का फली जो कहते हैं वो होती है कैरियोप्सिस। ये जो आपको लिखा है CARYOPSIS, कैरियोप्सिस। नेक्स्ट फ्रेंड आते हैं मोड ऑफ पॉलिनेशन। मोड ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है किस प्रकार का परागण होता है, परागण किस प्रकार का होता है, क्रॉस होता है, सेल्फ होता है, ऑफन क्रॉस होता है, या फिर क्या होता है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हुआ स्व परागण, मतलब स्वतः ही परागण कर देता है किसी मेल या किसी दूसरे पौधे की, मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, उसी पौधे में स्व परागण हो जाता है। और नेक्स्ट आते हैं ड्वार्फिंग जीन। ड्वार्फिंग जीन का मतलब हो गया, ड्वार्फिंग मतलब बौने जीन। इसमें बौनी जीन्स कौन सी पाई जाती है, DGO जीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन के अकॉर्डिंग DGO जीन अक्सर पूछा जाता है। आप इसे ज़रूर याद करें। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब कितने गुणसूत्र इसमें होते हैं। इसमें गुणसूत्र 2N = 24, ठीक है, क्रोमोसोम्स 2N = 24 होते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ फोटो रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या होता है फोटो रिस्पॉन्स का मतलब वो होता है जैसे कि लाइट कितना पड़ता है, मतलब कौन से प्लांट हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, ये कौन से प्लांट होते हैं, कम अवधि में, लंबे अवधि वाले, या फिर कौन से, तो ये होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ये दिया हुआ शॉर्ट डे प्लांट, पैडी जो होता है शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो फ्रेंड आगे पढ़ते हैं पैडी का सबसे बेहतरीन, ये जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। आप कंपटीशन में इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, ज़रूर मिलता है। तो पैडी का ओरिजिन है इंडो वर्मा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में है, ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो कंपटीशन में आपको आगे चलने में। तो आगे चलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। अब हमारा स्पेशल कैरेक्टर है पैडी का सेमी एक्वेटिक क्रॉप। मतलब सेमी एक्वेटिक क्रॉप का मतलब अर्ध जलीय फसल, मतलब ये जली में होता है, जल में ही होता है, लेकिन पूरा एकदम जल में रखने से सड़न आ जाती है, इसलिए अर्ध जलीय क्रॉप कहते हैं इसे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे की तरफ, अब क्या है हम सीड रेट की तरफ बढ़ेंगे। सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है और सीड रेट इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। जो सीड रेट होते हैं, सीड रेट ये दिया हुआ है आपका, सीड रेट लिखा है, तो इसमें कई तरह के सीड रेट होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, मीडियम ड्यूरेशन वाले, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, डायरेक्ट सोन क्रॉप SRI मेथड से, हाइब्रिड, नर्सरी और नर्सरी एरिया SRI मेथड से। तो हम इसमें कितने प्रकार के पढ़ेंगे, कुल मिला के छः प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा होगा शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 60 kg per hectare पड़ती है, ये हेक्टेयर में ही हमें
ये दिखाया जाता है और बताया भी जाता है, और अलग अलग एरिया के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग दी जाती है। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 60 kg पर हेक्टेयर होता है, एंड नेक्स्ट मीडियम ड्यूरेशन के लिए मतलब मध्य, जितना ही ड्यूरेशन कम होता जाता है उतना ही आपका सीड रेट जो है बढ़ता है, और जितना ड्यूरेशन बढ़ता है उतना ही सीड रेट कम होता है। जैसे शॉर्ट में 60 हुआ, मीडियम में 40 हुआ, एंड लॉन्ग में 30 kg पर हेक्टेयर हो गया। 60 लॉन्ग, 60 शॉर्ट, एंड एक मिनट फ्रेंड, तो फ्रेंड कम ड्यूरेशन वाला ज़्यादा सीड रेट लगेगा, उससे कम उससे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला उससे कम सीड रेट लगता है, और ज़्यादा ड्यूरेशन वाला बहुत कम सीड रेट लगेगा। और आगे का जो डायरेक्ट सोइंग क्रॉप होता है, डायरेक्ट मतलब कुछ लोकल भाषा में पैरा बोलते हैं, पैरा बोना जो डायरेक्ट सो देते हैं, डायरेक्ट छिटकाव विधि कहते हैं, तो वो होता है 80 से 100 kg प्रति क्रम, इसमें ज़्यादा सीड रेट लगता है। सो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा सीड रेट किस में लगता है, डायरेक्ट सोन क्रॉप। एंड नेक्स्ट पांचवा है एस आर आई मेथड, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड पैडी में SRI मेथड होती है, जिसके थ्रू हम बहुत कम से कम सीड रेट लगाते हैं, बहुत कम सीड की यूज़ पड़ती है सीड रेट में। तो SRI मेथड में 5 से 10 kg ही केवल लगते हैं, और हाइब्रिड में आके 15 kg लगते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और नर्सरी की जो एरिया होती है फ्रेंड, हम नर्सरी के एरिया जो पढ़ेंगे 1/10 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ 20 सेंट्स पर हेक्टेयर, 20 सेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से टोटल एरिया का 1/10 भाग, जिसे हमारा 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का 20 सेंट्स मतलब 20 सेंट्स पर हेक्टेयर, मतलब इसमें जो 20 सेंट्स पर हेक्टेयर दिया है, तो ये 1 हेक्टेयर में 20 सेंट्स जो है उतना जगह लेंगे और उसका बेड बनाएंगे, नर्सरी बेड, फिर तब जाके वो करेंगे। इसी को कहता है टोटल एरिया का 1/10 से 1/10 भाग कहीं से भी लेंगे और फिर वहाँ पे बेड बनाकर नर्सरी तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आता है नर्सरी एरिया ऑफ SRI, नर्सरी की जो एरिया होती है SRI मेथड से हम कितना ले सकते हैं, तो 100 स्क्वायर मीटर, क्या होता है 100 स्क्वायर मीटर, इतना हम किसी भी खेत में SRI मेथड से हम खेती करना चाहते हैं या पैडी की फार्मिंग करना चाहते हैं, तो नर्सरी बनाने के लिए हमें 100 स्क्वायर मीटर का प्लेस अलॉटेड करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, मतलब ये हुआ मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या हुआ मेंटेनेंस, मतलब प्लांट का जो पौधे हैं, मतलब प्लांट में जो पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन है मतलब धान की जितनी हम बुआई करते हैं प्लांट पॉपुलेशन, उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, मेंटेनेंस का मतलब प्रबंधन किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम उनको मेंटेन करके अच्छी दूरी देके, अच्छी प्लांट की पॉपुलेशन देके हम अच्छे से प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो पहला हमारा है शॉर्ट ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन भी पढ़े थे 60 kg लगती है, तो 60 kg किस तरीके से देंगे, किस तरीके से बोएंगे, रोपनी प्लांटेशन करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, इस तरीके के हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है हम ये देखेंगे। पहला होता है एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जब हम एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग की एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कि नर्सरी का दिवस कितना हो जाए, तो 18 दिन 18 डेज या 18 डेज से 22 डेज का दिन होना चाहिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग जब से नर्सरी लगाया उससे लगा। उसके बाद होता है स्पेसिंग 15 × 10 cm और 15 × 10 cm, 15 × 10, और प्लांट का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए 70 हील्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर से ये हो गया 1 मीटर,
1 मीटर स्क्वायर में जो है 70 हील होने चाहिए, मतलब 1 मीटर का मान लो एक ये हो गया, सॉरी ये आयत बन गया है, थोड़ा सा और होना चाहिए था, मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, तो 1 मीटर ही 1 मीटर ही 1 मीटर ही 1 मीटर ही 1 मीटर ही, तो इसमें कितना होगा 70 हील होना चाहिए, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके सब ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से इसमें 70 हिल लगने चाहिए, इस प्रकार इसका प्लांटिंग करना चाहिए, प्लांट का पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में 70 हिल पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हो गया वो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो 18 से 22 एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग होनी चाहिए, एज ऑफ डेज होनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग की, और 15x20 का होना चाहिए, और ये 70 हिल्स उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में किया था। अब पढ़ते हैं इसमें हाइब्रिड पैडी में आपका क्या दिया है, एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग डेज की 20 to 30 days, 20 से 30 दिनों के अंदर हम लोगों को ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट स्पेसिंग है 20x20 cm, मतलब एक वर्ग के आकार का 20x20 cm पे इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए, और इसमें जो है कम हिल लगाने चाहिए, 25 हिल 1 मीटर के स्क्वायर में, जैसे 1 मीटर जैसे ये आप मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स एक ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 25 होने चाहिए, कुल मिला के 25, ठीक है, 25 जगह इसमें पूरा होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो 25 करने चाहिए, 25 हिल ही लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं फ्रेंड हम पैडी का जो क्रॉप हमने लगाया फार्मिंग की है उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र कितना देंगे, मतलब फर्टिलाइज़र कितने मात्रा में दे जाते, कितने रेशियो में दे सकते हैं, ये हमारा फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, इसमें लिखा नहीं है तो आप इसको पढ़ लीजिए, फोर्टी प्लस ऐसे पढ़िए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका 120 kg नाइट्रोजन होना चाहिए, 40 kg P2O5 मतलब फॉस्फोरस, और K2O 40 kg, ठीक है, 120:40 का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन में, एंड मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको नाइट्रोजन आपको बढ़ाना पड़ेगा यूरिया के, तो 150 and 50 P2O5 ये भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, एंड 50 K2O मतलब पोटेशियम से, एंड देन हाइब्रिड पैडी में आपको क्या करना पड़ेगा, 175 नाइट्रोजन एंड P2O5 60 मतलब फॉस्फोरस आपको 60 kg और पोटास जो है 60 kg पोटेशियम, ठीक है, ओके फ्रेंड। एंड देन आते हैं अब इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से देने चाहिए जिससे इसमें लाभ हो सके, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं 25 kg ऑफ जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर, मतलब 25 किलो जिंक सल्फेट की मात्रा 1 हेक्टेयर में किसके साथ देना चाहिए, मिक्स्ड विथ kg ड्राई सैंड, और उसको 50 किलो सूखी बालू के साथ मिलाकर देना चाहिए, मतलब 25 kg जिंक सल्फेट की मात्रा 50 किलो बालू के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर में देने से फ़ायदा होता है, 500 किलो मतलब 500 kg जिप्सम पर हेक्टेयर, 500 kg जिप्सम पर हेक्टेयर एज सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर न्यूट्रिएंट एट लास्ट प्लाइंग, मतलब 500 kg जिप्सम पर हेक्टेयर एज सोर्स ऑफ कैल्शियम, मतलब एक सोर्स है कैल्शियम और सल्फर का न्यूट्रिएंट लास्ट प्लोइंग अंतिम प्लोइंग करने का अंतिम जुताई करते हैं तो इसको देना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं फॉलियर स्प्रे, जो है फॉलियर स्प्रे के थ्रू देना चाहिए, फॉलियर स्प्रे ऑफ 1% यूरिया प्लस 2% DAP एंड प्लस 1% KCl एट पैनिकल इनिशिएशन, मतलब पैनिकल निकलते समय ही
उनको यूफोरियर स्प्रे करना चाहिए इतनी इतनी मात्रा में, और 10 डेज लेटर फॉर ऑल वराइटीज, मतलब 10 दिन के बाद सभी वराइटियों में कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। सो फ्रेंड, पैडी में इतना फर्टिलाइजर तक हमें इतना प्रोसेस करना चाहिए, इतनी जितनी चीज़ें बताई गई हैं इतनी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा यील्ड अच्छा हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी वैरायटी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, एंड जो भी नेक्स्ट चीज़ें रिमेनिंग चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताई जाएगी डिटेल में। आप ध्यान रखें, धैर्य रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें जाननी है, और इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद, पैडी लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम ये भी जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड, चैनल्स को देखते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट करिए और हमें बताते रहिए कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें, आपके लिए क्या क्या लाते रहें। ठीक है फ्रेंड, ओके, धन्यवाद, बाय, राम राम।